हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रक टॉक्स। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टाटा की सिग्ना 4923S इस ट्रक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस की ओर जाने से पहले हम बात करते हैं इस ट्रक के कुछ कॉम्पिटिटर्स की। तो इस ट्रक की पहली कॉम्पिटिटर है भारत बेंज की 4923R, जो हाल ही में लॉन्च हुई है BS4 वर्जन के साथ। इस ट्रक की सेकेंड कॉम्पिटिटर है अशोक लेलैंड की U4923, वो भी 49 टन की ट्रक है ट्रैक्टर कैटेगरी की। इसकी थर्ड कॉम्पिटिटर है महिंद्रा की ब्लेजो 49, वो भी ट्रैक्टर कैटेगरी की ट्रक है। और इसकी लास्ट कॉम्पिटिटर है नई BS4 वर्जन के साथ लॉन्च हुई हुई आयशर की Pro 8049, जो कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये चार ट्रक इस ट्रक की मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन पे। तो इस ट्रक में इंजन है कमिंस ISBE 5.9 cc का, 5900 cc का इंजन है 6 सिलेंडर वाला। तो जो पावर देता है 230 horsepower एट 2500 rpm और टॉर्क देता है 850 Nm एट 1300-1800 rpm। और इसमें गेयरबॉक्स जो है वो है टाटा का G1150 सिंक्रोमेश गेयरबॉक्स विथ 9 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर, यानी कि 10 गियर है इसमें। क्रॉलर गियर इसमें दिया नहीं गया है, 9 गियर ही दिए गए। और क्लच इसमें ड्राई सिंगल प्लेट क्लच, पुश टाइप का क्लच। ओके, तो इसका सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसके फर्स्ट एक्सल में है सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग, सेकंड एक्सल में इन्वर्टेड टैंडम बोगी सस्पेंशन, जो टाटा की ट्रैक्टर ट्रक्स में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है बोगी सस्पेंशन। बोगी सस्पेंशन के ऊपर हम एक अलग वीडियो देखेंगे थोड़े दिनों बाद। और इसमें फ्रंट सस्पेंशन पे, फ्रंट एक्सल पे एंटी रोल बार स्टैंडर्ड दिया गया है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की, तो इसमें एयर स्कैम ब्रेक्स फुल सिस्टम एयर ब्रेक्स की ABS के साथ, तो इसमें ABS भी स्टैंडर्ड दिया गया है। और जो इसका स्प्रिंग ब्रेक है, पीछे के चारों व्हील्स पे एक्ट करता है दोनों एक्सल पे, यानी कि तो जो हिल होल्ड पे, यानी कि आप चढ़ाई पे ट्रक चढ़ा रहे हो तो वहाँ पे काम करता है। तो बात करते हैं ग्रेडेबिलिटी की, तो इस ट्रक की ग्रेडेबिलिटी है 18.3% फुल लोड पे। अब बात करते हैं कुछ अनोखे फीचर्स की इस ट्रक के बारे में। तो इस ट्रक का मेन फीचर है सीट बेल्ट्स, दोनों ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए टाटा के ट्रक में सीट बेल्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसमें 400 लीटर का फ्यूल टैंक, पावर स्टीयरिंग इसमें स्टैंडर्ड दी गई, ABS भी स्टैंडर्ड दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, HVAC यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो AC आप नॉर्मल कार्स में देखते हैं वो भी इस ट्रक में स्टैंडर्ड दिया गया है। और ऑप्शनल फिटमेंट भी आप इस पे लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शनल फिटमेंट आता है फॉग लैंप्स का, जो आप नीचे जो एक्स्ट्रा गोल हेड लाइट्स होते हैं आप इस फोटो में देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। और लास्ट में आता है म्यूजिक सिस्टम, तो अगर आप लॉन्ग रूट्स पे ट्रक चलाने वाले हो तो ड्राइवर बोर ना हो, इसके लिए इसमें म्यूजिक सिस्टम की भी सुविधा दी गई है। तो दोस्तों, इस 4910 के कैटेगरी में नॉर्मल चार ट्रक है, टाटा की, आयशर की, भारत बेंज की और अशोक लेलैंड की। तो इन चारों में टाटा और भारत बेंज एक बेटर ऑप्शन है अगर आप खरीदने की सोच रहे हो। और अगर आप भारत बेंज और टाटा की सिग्ना 4923 और भारत बेंज की 4923 दोनों को कंपेयर करें तो भारत बेंज एक बेटर ऑप्शन बनता है लेने के लिए। उसकी वीडियो इसके बाद बनाऊंगा मैं, इस ट्रक के इस वीडियो के बाद, फॉलोड बाय आयशर का वीडियो। टिल देन स्टे सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड और लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।